अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बटर पेपर। अगर कभी आपके पास बटर पेपर ना हो और आपको बेकिंग करनी हो तो ये बहुत आसानी से और बहुत ही घर के इंग्रेडिएंट से घर में बन जाता है। मेरे पास दो किस्म के पेपर्स हैं। एक मैंने ये A4 साइज़ के पेपर्स लिए हैं जो कंप्यूटर पेपर्स कहलाते हैं, बिल्कुल प्लेन है विदाउट एनी इंक, और एक ये पेपर लिया है। ये पेपर जो है ये यूज़ नहीं होगा बटर पेपर बनाने में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक लगी हुई होती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो कि खाने में अब्सॉर्ब होने का खतरा होता है। तो हम जो ये A4 साइज़ का प्लेन पेपर है इससे बटर पेपर बनाएंगे। ये मैंने दो पेपर्स ले लिए हैं। ये दो पेपर्स मैं ऐसे ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ। मैंने ये एक ब्रश ले लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास घर में जो भी ऑयल है मैं उसको लेकर इस पेपर के ऊपर लगाऊंगी। आपके पास अगर ऐसा ब्रश नहीं है तो उसके ऑल्टरनेट में आप एक कॉटन यूज कर सकते हैं। आपने सिंपली कॉटन को ग्रीस करना है ऑयल में और इसको अच्छी तरह से पेपर में स्प्रेड कर देना है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको बटर करती जा रही हूँ, मतलब ऑयल लगाती जा रही हूँ, तो नीचे वाला पेपर जो है वो अपने आप ही ऑयल में हो गया। पहले मैं इस पेपर को कंप्लीट करूँगी, जो जगह रह गई है उसको अच्छी तरह से ऑयल लगाऊँगी। इतनी अच्छी तरह से ये पेज पे सारा ऑयल लग चुका है, इनफैक्ट एक्सेस ऑयल है थोड़ा इस पे। आपने बहुत ही हल्के हाथ से ऑयल नहीं लगाना कि बिल्कुल लगा लगा सा, बिल्कुल कम कम सा ऑयल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे ज़रा अच्छी तरह से लगाना है ऑयल ताकि ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए। अब मैं इसको नीचे रख के, ये वाला पेपर भी देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक ऑयली हो चुका है। अब मैं बाकी के हिस्से पे ऑयल लगाऊंगी। अच्छी तरह से हर कॉर्नर, हर जगह, हर एक पोर्शन जो है वो ऑयल से कवर कर देना है। अब देखें ये दोनों पेपर जो हैं वो अच्छी तरह से ऑयल में कवर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन पेपर्स को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि हम फर्दर आगे क्या करेंगे। मैं इसको अभी रेस्ट दे रही हूँ 15 टू 20 मिनट्स के लिए। तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं इन पेपर्स को रखे हुए। काफ़ी हद तक ये पेपर ऑयल एब्जॉर्ब कर भी चुका है। अब हम क्या करेंगे, इससे बहुत सारा एक्सेस ऑयल है तो हम इस पेज को ऐसे रख के जितना भी एक्सेस ऑयल है एक टिश्यू ले लेंगे, उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, या आप कोई क्लोथ भी ले सकते हैं वाइट कलर का, और उससे इसको ऐसे अच्छी तरह से एक्सेस ऑयल का सारा पोंछ देंगे।
साइड से मैंने पोंछ दिया है, मैं इस साइड से पोंछ रही हूँ। ये दोनों साइड से अच्छी तरह से साफ हो चुका है। इसके साथ ही हमारा बटर पेपर बहुत ही जबरदस्त घर का बना हुआ बिल्कुल तैयार है। ऑयल सारा एक्सेस आपने अच्छी तरह साफ कर देना है। ये घर का बना हुआ बटर पेपर बिल्कुल तैयार है, पर तो हमारा रेडी हो गया। अब अगर हमें इसको सेव करना है, फिलहाल अभी यूज नहीं करना, तो हम इसको कैसे सेव करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे, उसके अंदर इस बटर पेपर को रख के रोल कर देंगे। इसको हम ऐसे रोल कर देंगे। रोल करने के बाद हम इसे एक रबर बैंड लगाएंगे और ऐसे सेव कर देंगे। अच्छा जी, आप जब भी बटर पेपर को रेडी करेंगे तो कुछ चीजें आपने अपने ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ें ये हैं कि आपने इस पेपर को रेडी करते हुए कभी भी मस्टर्ड ऑयल का, सेसमी ऑयल का या ऑलिव ऑयल का यूजेज नहीं करना। ये ऑयल थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके अंदर एक स्मेल होती है, तो वो स्मेल इस पेपर में आएगी और फिर आप जो भी चीज़ बेक करेंगे इसके ऊपर रख के, वो भी चीज़ इसकी वो स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपने नॉर्मल जो हमारा पकाने का तेल आता है उसको यूज़ करना है। इस स्टेज पे आपका बटर पेपर बिल्कुल रेडी है, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल जलेगा नहीं बेक करते हुए। फिर भी इन केस अगर आपको डाउट होता है, अव्वल तो ये इतना ऑयली है कि ये जलेगा नहीं और चिपकेगा नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इसको यूज़ करेंगे ट्रे पे और फिर भी कोई चीज़ चिपक जाएगी, तो आप इसके ऊपर हल्का सा अगर आप इसको ग्रीस कर देंगे तो वो भी आपकी जो डाउटफुलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको बनाएं, यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका बटर पेपर कैसा बना है।